नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज 15 जनवरी 2024 इस समय की शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताई जाएगी, जिसमें कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती को लेकर के, इसके अलावा रीट भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में दी जाने वाली है। तो साथियों, चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस चैनल पर आप शिक्षा विभागीय आदेश के अलावा रिजल्ट्स, आंसर की, दैनिक समाचार, रोजगार समाचार व विभागीय योजनाओं की अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस समय की शिक्षा विभाग से जुड़ी इस समय की बड़ी खबरों के साथ, यह है वीडियो। सबसे पहली अपडेट आप यहां पर देख सकते हैं, कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूली शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर की ओर से एक कार्यालय आदेश है, जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2022 विशेष संस्कृत में चयनित एम अभिस्थापित अभ्यर्थियों में से निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांग शिवरा माध्यमिक नियुक्ति प्रकोष्ठ, इसमें वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत या आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 भरतपुर संभाग से जो है ये अपडेट है संस्कृत विषय के अभ्यर्थियों के लिए। इसमें पूरी अपडेट आपको दी जा रही है और उनकी लिस्ट भी आपको वीडियो के तहत बताई जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, समय समय पर जारी परिपत्रों और दिशा निर्देशों के अनुसरण में दिनांक 24/12/2023 को आयोजित परामर्श कैंप में उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने पर निम्नांकित आशार्थियों को वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विषय के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के अनुसार लेवल 11 में प्रोबेशन ट्रेनी, यानी जो परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी है, उसके रूप में 2 वर्ष के प्रोबेशन पर राज्य सरकार के आदेश अनुसार मासिक नियत पारिश्रमिक पुरुष से अर्थ होने की स्थिति में विद्यमान वेतन पर निम्नानुसार जो है नियुक्ति पर पदस्थापन किया जाता है। तो साथियों, भरतपुर संभाग आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 संस्कृत विषय के अभ्यर्थियों के लिए जो है यहाँ पर जो उच्च अभ्यर्थी शेष रह गए थे किन्हीं कारणों से, तो उनके ये नियुक्ति आदेश, पदस्थापन आदेश जारी हुए हैं। अब इस प्रोबेशन, जी हाँ, प्रोबेशन ट्रेनी जो अवधि है, इसमें क्या क्या उनको लाभ राजस्थान सरकार के द्वारा और संबंधित डिपार्टमेंट्स के द्वारा दे होगा, वो आप यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इन पॉइंटों में देख सकते हैं। अगली अपडेट है, यहाँ पर संबंधित संस्था प्रधान को कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवश्यक कार्रवाई रूप से जो है संपादित करेंगे। तो इनको कार्यग्रहण से पहले आवश्यक जो दस्तावेज हैं, पुलिस संबंधी चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो है इत्यादि, धूम्रपान नहीं करने संबंधी शपथ पत्र और दहेज नहीं लेने हेतु संबंधित प्रमाण पत्र इत्यादि जो है इनसे ले जाएंगे। आप देख सकते हैं, कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी उनकी पात्रता, आयु और आरक्षण संबंधी दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेनी है, तो ये दिया हुआ है इसमें। और 1 जून 2002 या उसके बाद 2 या 2 से अधिक जो संतान है उससे संबंधित शपथ पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में दहेज नहीं ले जाने का, ये पूरे इसमें घोषणाएं दी है साथियों। इसके अलावा इन सभी आदेशों की PDF और सूचनाएं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं हर प्रकार की अपडेट के लिए। अब देख सकते हैं इनके लिए जो आदेश है, यहाँ पर इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिए गए पदस्थापित स्थान पर दिनांक 5 फरवरी 2024 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, यानी 5 फरवरी तक इनको कार्यग्रहण करना है। अब इसमें जो लिस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, ये रोल नंबर अभ्यर्थी के, मेरिट नंबर है, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम और इनका एड्रेस, DOB और इनका पोस्टिंग प्लेस यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले कॉलम में दिया हुआ है, और लास्ट में कैंडिडेट की फ़ोटो दी हुई है। तो जो शेष थे भरतपुर संभाग से संबंधित, यहाँ पर ये 3 अभ्यर्थी हैं इसमें सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 संस्कृत विषय के जो हैं। अगली अपडेट है, यहाँ पर कार्यालय जिला परिषद श्री गंगानगर की ओर से, जो कि 10 जनवरी 2024 का ये आदेश था, कार्यालय आदेश जारी हुआ था, श्रीमान निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांग शिविरा प्रारंभिक नियुक्ति प्रभाग सेकंड विविध 2023 दिनांक 5/12/2023 में वर्णित निर्देशों की पालना में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के तहत लंबित नियुक्ति आदेश एवं कार्यग्रहण के संबंध में केवल श्री गंगानगर जिले में एक कार्रवाई संपादित किया जाना आवश्यक है। सिर्फ गंगानगर जिले से संबंधित ये अपडेट इसमें दी हुई है, क्या है जान लेते हैं। अध्यापक लेवल प्रथम, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर सिविल याचिका संख्या
10358/2023 जो कि निधि चौधरी और अन्य बनाम राज्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं के संबंध में अध्यापक लेवल प्रथम की नियुक्ति प्रक्रिया पर आगामी सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने बाबत प्रदत्त निर्देशों की अक्षर से पालना की सुनिश्चित करानी है। इससे संबंधित और अध्यापक लेवल द्वितीय में जो समस्त विषय हैं राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2023 से संबंधित जो आदर्श आचार संहिता प्रभावी थी उनके समापन के क्रम में जो है ये कार्रवाई संपादन की जाएगी। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आदर्श आचार संहिता प्रभाव अनुकरण जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जा सके थे उक्त समस्त अभ्यर्थियों के नियमानुसार पदस्थापना तो नियुक्ति आदेश जारी कर कार्यक्रम की कार्रवाई इनकी होगी। यानी आदर्श आचार संहिता जो प्रभावी थी कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो पुनः चुनाव हुए थे उससे संबंधित है और ये सिर्फ गंगानगर जिले से संबंधित अपडेट है। जिन अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं परंतु आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण तत्समय कार्यक्रम नहीं कर पाए थे ऐसे समस्त अभ्यर्थी हेतु कार्यक्रम अवधि में वृद्धि करते हुए कार्यक्रम अवधि दिनांक जो कि 25 जनवरी 2024 तक बढ़ाई गई है। ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित तक कार्यक्रम करना सुनिश्चित करें तो उससे संबंधित ये अपडेट है। और अब अगली खबर है यहाँ पर इसमें कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा भीलवाड़ा 15 जनवरी आज का आदेश है जो कि समस्त संस्था प्रधान राजकीय अथवा गैर राजकीय विद्यालय जिला भीलवाड़ा संबंधित सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस समारोह तक अधिकृत अवकाश निरस्त बाबत। या साथियों संस्था प्रधान को जो है उस हेतु अपडेट इसमें दी गई है कि विषयांतर के लेकर कि 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस समारोह तक जिन संस्था प्रधानों द्वारा भीलवाड़ा शहर अथवा जिले के विद्यालयों में अधिकृत अवकाश रखा गया है उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर निर्देश किया जाता है कि राष्ट्रीय पर्व को महत्व देते हुए इसे गंभीरता से लेवे और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस समारोह तक किसी भी विद्यालय में अधिकृत अवकाश नहीं रहेगा। ये आप देख सकते हैं तो उससे संबंधित ये अपडेट है। तो साथियों ये थी इस समय की शिक्षा विभाग से जुड़ी 2 से 3 महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों इसी प्रकार की अपडेट के लिए और RPSC फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2022 अन्य जो बचे हुए सब्जेक्ट है और उनके जो पदस्थापना आदेश अभी तक जारी नहीं हो पाए हैं या सेकंड ग्रेड भर्ती से संबंधित भी है तो जैसे ही हमारे पास में अपडेट आएगी आपको अवश्य इस बारे में सूचित किया जाएगा। और साथ ही DSSB के द्वारा जो है TGT PGT और अन्य MTS इत्यादि हेतु जो है अलग अलग कैटेगरी पदों पर विज्ञप्ति जो है जारी हो चुकी है उसकी अपडेट आपको हमारे पिछले वीडियो में भी दे दी गई थी और टेलीग्राम चैनल पर भी उसकी अपडेट दी हुई है और जो ऑफिशियल विज्ञप्ति है वो साइट पर जारी हो चुकी है। तो यही अपडेट थी साथियों इस वीडियो में। साथियों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।